प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के केवड़िया में आज ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,000 करोड़ रुपए की स्टार्टअप फंड देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इसके तहत पहले दिन देश भर में 1,94,000 लोगों को लगाया गया टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लाने के लिए वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के प्रति आभार प्रकट किया। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को लगाया जाएगा टीका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ कोरोना टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के कारण देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.58% हो गई है। मृत्यु दर भी घटकर 1.44% रह गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे बेलगामी में एक जनसभा और बागलकोट में एक एथेनॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इक्यानवेवां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल गोवा में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उद्घाटन किया। 24 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में दुनिया भर की 224 फिल्में दिखाई जाएंगी। पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी थाना क्षेत्र के सिरिसिया गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 40 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब बरामद की है। बर्फीली हवा चलने के कारण राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ठंड बढ़ गई है। कल गया प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान